मुरैना में मेडिकल की दुकान संचालन करने वाली व्यवसाय की अज्ञात लोगों ने पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। घटनास्थल के बारे में पुलिस कुछ भी बता नहीं पा रही, लेकिन जिस जगह शव मिला वो तीन थाना क्षेत्र पहाड़गढ़, कैलारस और रामपुर की सीमा से लगता है। मामचोन गांव के पास शहर की सड़क किनारे खेतों की मेड़ पर एक युवक का शव मिला, जिसका चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पहाड़गढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों को तलाश कर सूचना दी। हालांकि ये घटनास्थल किस थाना क्षेत्र में है इसे लेकर पहाड़गढ़, कैलारस, रामपुर थाना पुलिस में असमंजस की स्थिति थी। घटनास्थल पर पहाड़गढ़ पुलिस के साथ साथ कैलारस पुलिस भी पहुंच गई। रामपुर थाना पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई कर रही है। मृतक मुकेश गर्ग उम्र 40 वर्ष चिन्नौनी गांव का था। बड़ा भाई सतीश कैलारस शहर में मेडिकल की दुकान चलाता था। कल दोपहर 3 बजे से ये गायब था। मुकेश का शव सुबह मिला। लोगों का कहना है कि मृतक को कैंसर था। मृतक का शव संबलगढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरे ये चाचा लगते थे मेडिकल की चिन्नौनी में दुकान करते थे। पता नहीं सुबह बॉडी मिली है, अब ये पता नहीं अपन को क्या हुआ है इनके साथ। ये अपन चाहते हैं पता पड़े। रहने वाले कैलारस में रहते थे, कैलारस में दुकान चिन्नौनी में थी, चिन्नौनी में दुकान करते थे मेडिकल की। अब पता नहीं कोई कह रहा है 3 बजे से गायब थे, अब तो पता पड़ ही, अब आ जाएंगे जैसे। पहाड़गढ़ पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश खड़गपुर मामचोन के पास नहर के पास पड़ी हुई है। इस पर पहाड़गढ़ के ऐसे मोबाइल बल के वहाँ पहुंचे, जब उन्होंने उसकी जांच वगैरह की तो उसकी जेब में एक मोबाइल नंबर मिला जो उसकी पत्नी का था, जिससे बातचीत की गई। फिर उसके परिवार वाले आ गए तो उससे मृतक की शनाख्त मुकेश गर्ग कैलारस के व्यापारी के रूप में हुई है, जो पुरानी सब्जी मंडी के पास में रहता है। क्योंकि ये जो सीमा है खड़गपुर वो थाना रामपुर की है, वहाँ एफएसएल पार्टी पहुँच गई है, एचडीपी साहब और एसओ रामपुर महवल के पहुँच गए हैं। लिखा पड़ी कार्रवाई चल रही है। प्रथम दृष्टि मामला हत्या का लग रहा है और उसमें पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसी नई सूरत हुई कर रही है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व मृतक के पिता रामजी लाल गर्ग का अपहरण डकैतों द्वारा किया गया था। घटना के बाद से कैलारस में लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, मुरैना।